भारत में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। हजारों लोग कोरोना से संक्रमित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी भी नहीं देखा गया है। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण है। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई भी टीका नहीं बना है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि थोड़ी सी सावधानी से कोरोना को हराया जा सकता है। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कोरोना पर कि कैसे आप इस वायरस से खुद और अपने परिवार को बचा सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम स्वराज सेहत। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर स्टूडियो में मौजूद हैं नाक कान गला विशेषज्ञ डॉक्टर सुरभि और कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पण चतुर्मोहता। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम स्वराज सेहत में। सबसे पहले डॉक्टर सुरभि, आपके पास मैं आऊंगी कि नाक कान गला इन सबसे हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमें कोरोना है, इनके जरिए वो कौन से लक्षण है जो सामने आते हैं? अगर आप कोरोना के लक्षण की बात करते हैं, 80% लोग जो संक्रमित रहते हैं उनको माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। माइल्ड सिम्टम्स मतलब मामूली सर्दी, जुकाम, खांसी। खांसी जो होता है जनरली ड्राई कफ रहता है। कम लोग हैं जिनमें एक्चुअली ये सीवियर फॉर्म में प्रोग्रेस करता है। सीवियर फॉर्म मतलब वो फिर आपके कान नाक से नीचे आपके फेफड़ों तक जाता है और वो निमोनिया बन के प्रेजेंट होता है। तो अगर ये लक्षण हुए तो आपको सांस लेने में दिक्कत, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेवलप होती है। बहुत कम कुछ कुछ केसेस में देखा गया है कि डायरिया मतलब लूज मोशन भी एक प्रेजेंटिंग सिम्टम है। जी डॉक्टर अर्पण, आपके पास मैं आऊंगी, जो कि कैंसर के पेशेंट है उनके लिए कोरोना कितना ज्यादा खतरनाक है? जी नमस्ते जी। कोरोना जो कैंसर मरीजों में देखा जाए तो थोड़ा ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि कैंसर मरीजों में इम्यूनिटी जो रहती है वो कम होती है। स्पेशली कैंसर खुद एक इम्यूनिटी कम करता है और कई कीमोथेरेपी या रेडिएशन जो हम देते हैं या कोई बहुत बड़ी सर्जरी किसी पेशेंट की हुई रहती है तो उनकी इम्यूनिटी कम होती है और उस कारण से कोरोना का इफेक्ट उनमें नो डाउट ज्यादा देखने को मिल सकता है। जी आपने बात अभी इम्यूनिटी की है, तो कैंसर पेशेंट की अगर बात की जाए तो क्या कुछ खास उन्हें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपने अभी बताया कि कैंसर पेशेंट की इम्यूनिटी वैसे ही ज्यादा कम हो जाती है? जी इम्यूनिटी के लिए तो जैसा सभी के लिए एक कॉमन चीज मैं बताता हूँ कि डेली 15 से 20 मिनट का योगा करना जी। अपने खान पीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, फ्रूट्स लेना, वेजिटेबल्स लेना, फाइबर डाइट लेना, एक्सरसाइज करना, स्ट्रेस नहीं लेना। स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा इम्यूनिटी को कम करने वाला एक कारण होता है। तो चीजों के बारे में पॉजिटिव थॉट्स रखना कि कोरोना है तो हाँ भाई 95% चांस इसमें कोई बुरा नहीं होना है, अगर होता भी है तो भी ठीक है, हमें डरना नहीं है, हमें अच्छा सोचना है। जी डॉक्टर सुरभि, आपके पास मैं आऊंगी, पर इस बीच हमारे साथ में एक कॉलर जुड़ गए हैं, गंजवासोदा से राहुल है। राहुल बहुत स्वागत है आपका स्वराज सेहत में, सवाल बताइए अपना। एक्चुअली मैडम मुझे पूछना था कि मैं साइनसाइटिस का मरीज हूँ, करीब 12 से 13 साल पहले मेरा साइनस का ऑपरेशन हुआ था, नाक का एक ऑपरेशन हुआ था, उसमें एडमिट रहना पड़ा था मुझे। इसके बाद भी आज करीब आपका 13 इयर्स हो तो मेरे को प्रॉब्लम होती है, एलर्जेटिक हूँ, एलर्जी होती है, साथ में सर्दी जुकाम खांसी, मौसम अगर चेंज होता है तो गले में खराश होना, छींक होना, सर्दी होना, खांसी होना, ये सब चीज़ नॉर्मल बनी रहती हैं, एक रूटीन प्रोसेस था। बट अब चूंकि कोरोना आ गया है तो कोरोना के भी सिम्टम्स सेम यही होते हैं कि आपको सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है। तो मैम ये इसका कोरोना जो है साइनस वालों के लिए भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है? जैसे मुझे तो मौसम चेंज हो रहा है तो अभी दोबारा से सर्दी खांसी जुकाम होने लगा है। जो
एक्चुअली कोरोना का एक और केस होता है कि आप इट स्टार्ट मतलब वो शुरू होता है सर्दी जुकाम से, बट इवेंचुअली आपको फीवर डेवलप होता ही है, है ना। जो एलर्जिक सर्दी जुकाम है, एलर्जिक साइनोसाइटिस एंड जो कोरोना की वजह से साइनोसाइटिस है, वो काफी डिस्टिंक्ट होते हैं। एलर्जिक में आपको छींक ज्यादा आएगी, स्पेशली ऑन एक्सपोजर टू द एलर्जन, मतलब जब भी आप धूल में जाएंगे, मिट्टी में जाएंगे, तो ये सब आप एक्सपीरियंस करेंगे। डेफिनेटली जिनको बार बार एलर्जिक राइनाइटिस होता है, उनको ये डर हमेशा बना रहेगा कि कहीं अभी मुझे सर्दी जुकाम हो रहा है तो मुझे कोरोना तो नहीं है। बट अगर आपको कंटिन्यूसली ये सारी चीजें प्रेजेंट है, तो आप अभी अपने एंटी एलर्जिक मेडिकेशन और जो नेजल स्प्रे आप यूज कर रहे हैं वो आप कंटिन्यू कीजिए। बाहर एलर्जेंस अवॉइड कीजिए, जो भी चीजों से आपको एलर्जी होती है उसे अवॉइड कीजिए। प्लस अपने सिम्टम्स मॉनिटर करते रहिए, बहुत जरूरी है कि आप अपने सिम्टम्स मॉनिटर कीजिए और ये देखिए कि कहीं आपको फीवर या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत, ये सारी चीजें डेवलप तो नहीं होती है। जी डॉक्टर सुरभि, हमने शुरुआती दौर में देखा था कि सर्दी खांसी बुखार इसका लक्षण बताए जा रहे थे, मुख्य लक्षण, जिसके बाद में कुछ पॉजिटिव मरीज ऐसे भी सामने आए जिनमें ऐसे कोई भी लक्षण नहीं थे, बावजूद उनकी जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आई थी। तो इसको भी मैं समझना चाहूंगी, और साथ ही अगर ऐसे कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव होता है तो वो कितना खतरनाक होगा, इसका मैं जवाब आपसे लूंगी। इस बीच हमारे साथ में एक और कॉलर जुड़ गए हैं, कैलाश जो कि शाहजहांपुर से हैं। बहुत स्वागत है कैलाश आपका, बताइए क्या सवाल है आपका। सर थोड़ी सांस में दिक्कत है, मैं बदन दर्द वगैरह, पेट दर्द जी। इनका सवाल मैं दोहरा देती हूँ कि इनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और साथ ही बदन दर्द है। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ कैलाश जी, आपको जी जी कैलाश जी, ये सारे सिम्टम्स आपको कब से हो रहे हैं, कितने दिनों हैं? पेट में कभी से जल रही है। कैलाश जी मैं चाहूंगी कि आप अपना सवाल पूरा कर दे, आपको ये सारे सिम्टम्स है, क्या आप यही जानना चाहते हैं कि आपको कोरोना है, इसकी जांच आपको करानी चाहिए या नहीं? नहीं नहीं सर, ये आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा नेटवर्क एरिया में आ जाइए आप। कैलाश जी अपना सवाल दोहरा दीजिए। कैलाश जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा नेटवर्क एरिया में आ जाइए आप। हाँ नेटवर्क में है जी, बोलिए। ये आपको दो हफ्ते से है कैलाश जी? हाँ सर। हेलो, कितने दिनों से है ये आपको, ये जो शरीर में दर्द है और सांस में तकलीफ है? दो महीने पहले से है। हाँ सर जी, दो महीने पहले। तो मुझे नहीं लगता आपको अभी इतना घबराना चाहिए। जी जी, तो दो महीने पहले से, और अगर सर्दी आपको हो रहा है, थोड़ा शरीर में दर्द है, तो कहीं ना कहीं वायरल इन्फेक्शन दूसरे भी होते हैं, उनसे भी हो सकता है, या मैं बोलूँगा आपको एक जनरल कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से भी ये हो सकता है, या तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही हो या विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो रही हो। मैं आपको बोलूँगा सुबह थोड़ा आधे घंटे धूप में रहें, सुबह की 7:30-8 बजे की धूप में, और एक जनरल फिजिक मतलब जनरल एक्सरसाइज करिए, क्योंकि दो महीने पुराना सिम्टम कोरोना से रिलेटेड तो हम नहीं मान सकते उसे जी। जब शाहजहांपुर जैसे एरिया हैं जहाँ पे अभी कोरोना अभी अभी एक महीने से ही देखने को मिला है, पर आप ये ट्रेस कर सकते हैं कि आपके परिवार में या आपका किसी कोरोना वाले व्यक्ति से कोई मिलना जुलना तो नहीं हुआ है, तो उससे भी हम एक ट्रेस बना सकते हैं कि कोरोना की जांच करनी कि नहीं। उम्मीद करती हूँ कैलाश जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और एक और दर्शक हमारे साथ में जुड़ गए हैं, इंदौर से साहिल है। साहिल बहुत स्वागत है आपका स्वराज सेहत में, सवाल बताइए अपना। मुझे जो है काफी समय से ब्रोंकाइटिस की समस्या चल रही है, तो ब्रोंकाइटिस की समस्या के लिए जो प्रॉब्लम है वो कोरोना से जैसे खांसी बताते हैं, मतलब तो खांसी भी है, और हम जो है तो स्टीम की भाप लेते हैं, मतलब तो भाप लेते हैं उसमें विक्स डाल के, तो और हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जिनकी अपना जी भी है पूछ रही थी, तो हमें और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जैसे कोरोना से लक्षण, और लोग कहते हैं कि
खांसी में ये करें वो करें बाहर ना जाएं, तो हम जैसे हमें सब्जी लेने भी जाना पड़ता है, तो सामान लेने भी जाना पड़ता है, क्योंकि और कोई काम करने वाला घर में है नहीं हमारे, ये पूछना था कैसे करें हम लोग। एक्चुअली देखिए ये मान्य है कि आपको सब्जी लेने या ये सारी चीजें लेने बाहर जाना पड़ता है, बट जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अब जब बाहर से आप वापस आते हैं तो सबसे पहले अच्छे से अपना हाथ धोइए, पैर धोइए, सब्जियों को पानी में भिगा के रखिए कम से कम आधे घंटे नमक पानी में, साबुन पानी में, और उसके बाद इनको प्लेन पानी से आप धोइए, ठीक है, क्योंकि कोरोना जो है वो जरूर ड्रॉपलेट से स्प्रेड होता है, अगर कोई खांसता है छींकता है तो वो ड्रॉपलेट एयर में आ जाते हैं, बट इसके अलावा क्योंकि वो वायरस एक लार्ज साइज का है, वो ग्रेविटी के वजह से वो सरफेसेस पे भी सेटल हो जाता है, सरफेसेस पे रहता है, अगर आपने इन सरफेसेस को छुआ एंड उसके बाद अगर आप अपने आईज नोज या माउथ को टच करते हैं तो बहुत जल्दी आपको ये संक्रमण हो सकता है, तो जरूरी है आप आते ही पहले अपना हाथ मुंह धोइए, अगर बेटर है आप पूरा नहा ले तो और भी अच्छा है, अगर आप एक कुनकुने पानी से बात ले, ठीक है। सेकेंड थिंग इज कि बार बार अपने आईज नोज एंड माउथ में उंगली डाल के छूना अवॉइड कीजिए, जब भी आप बाहर जाते हैं बेटर है अगर आप मास्क पहने, अपने नोज एंड माउथ को कवर कीजिए, एज वेल एज आप ग्लव्स पहने, अगर ग्लव्स आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आके आप सिंपल हैंड वॉश कर लीजिए, हैंड वॉश भी ऐसा नहीं, एक प्रॉपर हैंड वॉश होना चाहिए, प्रॉपर हैंड वॉश का मतलब ये होता है कि एटलीस्ट वो हैंड वॉश 20 सेकेंड्स तक हो, स्टार्टिंग फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड, मतलब आप लेफ्ट हैंड से शुरू करते हैं, सबसे पहले अपने पाम को धोइए, फिर बैक को धोइए, जो फिंगर है उनको इंटरलॉक करके धोइए एंड देन थम्स को धोइए, पूरा हाथ क्लीन करना बहुत जरूरी है, एंड जितना हो सके बाहर ना जाइए, जितना आप अवॉइड कर सकते हैं उतना आपके लिए बेटर है। और जी साई जी की एक और चीज है, आपको ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाइटिस के हिसाब से आप जो भाप ले रहे हैं बहुत अच्छा है, सुबह शाम आपको सही में भाप लेना चाहिए, वो नो डाउट आपको हेल्प कर ही रहा है, साथ में थोड़ा हल्दी का दूध लेना एंड थोड़ा बहुत योगा करना, एक्सरसाइज करना, ये सब हमारे लिए एक डीप इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी एक्सरसाइज करना, ये सब ब्रोंकाइटिस एंड एस्थमेटिक पेशेंट के लिए कोरोना में एक बहुत हेल्पफुल स्टेप होता है। जी जी, और इस बीच एक और हमारे साथ में कॉलर जुड़े हैं दिल्ली से, उमंग, उमंग बहुत माफ कीजिएगा सुमन है, सुमन बहुत स्वागत है आपका स्वराज सेहत में, सवाल बताइए अपना। नमस्कार डॉक्टर सुमी, नमस्कार जी, सवाल बताइए अपना। मेरे बेटे को सुबह उठ के नाक में एलर्जी होती है, हाँ मेरे बेटे को जी सुबह सुबह उठ के वो छींकें आती हैं, 10-15 छींकें, वो मतलब लगातार छींकता है, और शाम कुछ दोपहर को कुछ ठंडा वंडा पी ले फिर छींकता है, हम थोड़ा डरे हुए हैं इस बात को लेके। हाँ जी सुमन जी, ये अभी से हो रहा है कि काफी दिनों से है इनको? नहीं काफी दिनों से है। ओके, अगर ये काफी दिनों से प्रेजेंट है तो ये मोर एलर्जिक सिम्टम्स की तरफ ज्यादा पॉइंट करता है, एलर्जिक राइनाइटिस बोला जाता है इसको, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक फारिंजाइटिस। तो अभी मेरे हिसाब से अगर काफी दिनों से इनको ये सारे सिम्टम्स प्रेजेंट है तो अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोरोना जैसे लक्षण नहीं लग रहे हैं जी, एलर्जी का इलाज आप अभी एलर्जी का डेफिनेटली इलाज आप चालू करवा सकते हैं, किसी भी वहाँ पे आप लोकल ENT को विजिट करके एंटी एलर्जिक दवाइयाँ ये सारी स्टार्ट करा सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं मंदसौर से, राम राठौर, राम राठौर बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेश में स्वराज सेहत में, सवाल बताइए अपना। राम गोपाल राठौर बोल रहा हूँ, मंदसौर से आइए, सवाल बताइए। नमस्ते नमस्ते, नमस्ते जी, राम गोपाल राठौर, हेलो, साल भर से खांसी जी, जी 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 जी, आवाज आ रही है आपकी गोपाल जी, जी राम गोपाल जी आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। राम राठौर नहीं है, राम गोपाल राठौर जी, राम गोपाल राठौर जी,
आप अपना सवाल बता दीजिए, आप क्या जानना चाहते हैं? तो हमारा संपर्क टूट गया है रामगोपाल जी से। डॉक्टर सर भी अपने सवाल पर आऊंगी कि कुछ पेशेंट ऐसे भी सामने आ रहे हैं जिसमें जो लक्षण बताए गए थे कोरोना के वो नहीं देखे जा रहे हैं, बावजूद इसके जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ रही है, तो ये कितना ज्यादा खतरनाक है और ये कैसे संभव हो रहा है? क्योंकि पहले तो ये बताया जा रहा था कि लक्षण होते हैं तो ही कोरोना जैसी बीमारी हो सकती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली अपने सोसाइटी में अभी तक 80% जो संक्रमित लोग हैं वो एसिम्प्टोमैटिक कैरियर्स हैं, मतलब जितने संक्रमित हैं उनमें से अभी भी 80% एसिम्प्टोमैटिक है। एसिम्प्टोमैटिक मतलब जिनमें कोई लक्षण नहीं है, ठीक है। वो बेसिकली आपकी बॉडी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, जब आप संक्रमित होते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम कितने अच्छे से उससे फाइट कर पाता है। तो जनरली यंग लोगों में ये देखा गया है कि दे वो ज्यादा एज एसिम्प्टोमैटिक कैरियर्स प्रेजेंट है। जी डॉक्टर अर्पण, आपके पास में आऊंगी मैं, डॉक्टर अर्पण से भी सवाल करेंगे, पर आपको बता दें कि लगातार जो महामारी है वो विकराल रूप लेती जा रही है और भारत में जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई, दिल्ली, मध्य प्रदेश ये ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा जो आंकड़े हैं वो निकल कर सामने आए हैं, और खास बात अगर हम मध्य प्रदेश की करें तो भोपाल और इंदौर दो ऐसे शहर हैं जहां सबसे ज्यादा जो कोरोना पॉजिटिव है वो केस सामने आए हैं, और बाकी जो शहर और जिले हैं उनको काफी सुरक्षित माना जा रहा है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग, कोविड 19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करें सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 100078152483, IFSC कोड SBIN00001056। बनाइए हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम करते हैं विश्वास। आर्केडेव यूनिवर्सिटी भोपाल, मोस्ट अवार्डेड यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां 105 एकड़ के विशाल कैंपस में स्टूडेंट्स को मिलती है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम, हाईटेक लैब, हाइजीनिक फूड फैसिलिटी और CCTV सिक्योर्ड हॉस्टल। आर्केडेव यूनिवर्सिटी इज द मोस्ट इनोवेटिव यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां के रिसर्च को मिलता है भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान, उच्च शिक्षा के क्षेत्र की नई पहचान। आर्केडेव यूनिवर्सिटी, गांधीनगर भोपाल। फॉर एडमिशन डिटेल कॉन्टैक्ट 1800 27 00 320। एक अदृश्य संकट जिसकी मार पूरा देश झेल रहा है, ऐसे में जनता की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश में हर संभव प्रयास किया जा रहा है। लोक कल्याण को समर्पित मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार प्रदेश को इस संकट से उबारने का दृढ़ संकल्प ले चुकी है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान पूरी व्यवस्था पर नजर बनाए रखने के लिए ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है, विशेष रूप से प्रदेश के दो बड़े शहर इंदौर और भोपाल में, जहां संक्रमण की संख्या सबसे अधिक है। चिन्हित कंटेनमेंट जोन की निगरानी और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने के लिए ड्रोन कैमरे से निगरानी करते हुए कहीं भी कोई अव्यवस्था दिखाई देने पर संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों को सूचना देकर व्यवस्था को पालन करने के निर्देश दे दिए जाते हैं। ड्रोन कैमरे से तत्काल इस बात की जानकारी मिल जाती है कि कहीं भीड़ लगाकर नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है। इसके लिए सिर्फ भोपाल में ही 30 थाना क्षेत्रों में से 100 से अधिक कंटेनमेंट क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। भोपाल में
30 से अधिक अपराध सिर्फ ड्रोन कैमरे की निगरानी के आधार पर दर्ज किए गए हैं। इंदौर में भी सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों और तंग गलियों में प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर ड्रोन कैमरे के माध्यम से नजर रखकर कार्यवाही की जा रही है। इस तकनीक का प्रयोग सुरक्षा का एक कारगर कदम साबित हो रहा है। सरकार के अथक प्रयास और जनता के साथ से मध्य प्रदेश कोरोना वायरस की लड़ाई में विजय स्थापित करेगा। बना ये हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम गढ़ते हैं विश्वास। एक नाम जिसके सपने ने दिया देश को एक नया मुकाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वही मुकाम आपको दिलाएगी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। कम अबॉर्ड एंड नर्चर योर टैलेंट टू सक्सीड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। जॉइन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। फॉर द डिटेल्स कॉन्टैक्ट 1-800-300-2602। स्वराज एक्सप्रेस की अपील, कोरोना से डरना नहीं हराना है, कोरोना से बचाव के तरीके, सावधानी में ही सुरक्षा है। बार बार हाथ धोने की आदत डालें, साबुन, सैनिटाइजर और हैंड रब का इस्तेमाल करें, खांसी या छींकने पर टिश्यू का इस्तेमाल करें या कोहनी से ढकें, बातचीत के दौरान एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें, जिम, क्लब और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं, जितना हो सके यात्रा से बचें। स्वराज एक्सप्रेस की अपील, सावधानी बरते, सुरक्षित रहे। महर्षि उपदेशामृत प्रवाह देखिए स्वराज एक्सप्रेस में प्रतिदिन प्रातः 6:30 से। एक बार फिर से आप सब का स्वागत है। हमारे साथ में दो मेहमान राजधानी रायपुर से जुड़े हुए थे। डॉक्टर अर्पण, आपके पास आऊंगी इससे पहले आपने जिक्र किया था कि ऐसे सिचुएशन में तनाव नहीं लेना चाहिए, पर अभी हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर से दूर हैं, अकेले रह रहे हैं और ऊपर से कोरोना जैसी महामारी, तो तनाव कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, तो इससे कैसे छुटकारा पाया जा सके? मैं तनाव दूर करने का सबसे अच्छा तरीका, मैं अभी भी आपको वही बोलूंगा, योगा करना जी, योगिक एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना। इनसे हम लोग कहीं ना कहीं अपने जो भी निगेटिविटी हैं उनको ख़त्म कर पाते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस से बहुत मुक्त करते हैं और हमारे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। जी डॉक्टर सुरभि, आपके पास मैं आऊँगी। कोरोना के इलाज को लेकर प्लाज्मा थेरेपी का आजकल काफ़ी ज़्यादा जिक्र किया जा रहा है। अगर इस थेरेपी की बात की जाए तो प्लाज्मा कब लिया जाता है और ये कितना सही है कोरोना पेशेंट के लिए और ये कैसे प्रयोग किया जाता है? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही डॉक्टर सुरभि? आप दोनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि लगातार जो कोरोना को लेकर आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और रोज आपके सामने एक नया एपिसोड और नए डॉक्टर्स के साथ में हम आपके सामने हाजिर होते हैं ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो सके। पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, पर आप घर पर रहें और सुरक्षित रहें। आज के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। बना ये